बाबा अपनी शक्ति से जेब द किलर को एक पिंजरे में कैद करके एक घने जंगल में छोड़ देते हैं ताकि वह हमेशा के लिए इंसानों से दूर रहे। बाबा अब क्यों आए हो यहाँ पर? तुमने तो मुझे इस घने जंगल में कैद कर दिया है। और पता नहीं ग्रैंडपा, ग्रैनी, बॉब और बक को कहाँ कैद करके रखे हो। जेब द किलर, मैं जानबूझकर यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो, इसलिए मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। बाबा अपने दैविक मंत्र से पिंजरा को बांध देते हैं ताकि यदि जेब द किलर कभी भी बाहर निकला तो सबसे पहले बाबा को पता चल जाएगा। पिंजरा को दैविक मंत्र से बांधने के बाद बाबा वापस वहां से चले जाते हैं। बाबा तुमने तो मुझे कैद तो कर लिया है पर मेरे पास खूंखार तलवार है और जब भी मैं यहाँ से निकला तो तुम समझ लेना तुम सबका अंत करीब है। 6 महीने के बाद एक व्यक्ति रहस्यमय किताब की तलाश में जंगल जा रहा होता है तभी उसका बेटा भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। पापा पापा मुझे जंगल में डर नहीं लगता है, मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। बेटा जंगल में कई तरह के जंगली जानवर होते हैं, वहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है। मैं वो सब नहीं जानता पापा, मुझे तो बस आपके साथ जंगल में जाना है। बच्चा अपने पापा की बात नहीं मानता है और वह जंगल में जाने की जिद करता ही रहता है। ठीक है चलो, लेकिन वहाँ कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। बच्चा अपने पिता की बात मान लेता है और दोनों साथ में जंगल की तरफ जाने लगते हैं। दोनों जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं क्योंकि रहस्यमय किताब वहीं कहीं छिपाई गई थी। आखिर वो किताब मिल क्यों नहीं रही है? नक्शे के हिसाब से तो किताब यही होनी चाहिए थी। बच्चा और उसके पिता रहस्यमय किताब को ढूंढ रहे होते हैं तभी उन दोनों को शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है। शेर की आवाज सुनकर दोनों डर जाता है और उससे बचने के लिए दोनों वहां से भागने लगता है। बेटा मैंने कहा था ना यहां जंगली जानवर होते हैं, अब भागो जल्दी वरना शेर खा जाएगा। भागते भागते बच्चे को एक गुफा दिखाई पड़ता है। पापा वहां गुफा है, चलिए जल्दी से वहां छिपते हैं। शेर से बचने के लिए बाप और बेटा दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहीं छिप जाते हैं। शेर के चलते दोनों काफी टाइम तक गुफा में छिपे रहते हैं और तब तक रात भी हो जाती है। रात होते ही जंगल में अलग अलग जानवरों की आवाज आने लगती है। पापा मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा तुम घबराओ नहीं, हम दोनों जल्दी घर पहुँच जाएंगे। बाप और बेटा डरते हुए धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ, बचाओ बचाओ मुझे। पापा पापा किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। हाँ बेटा तुमने सही कहा, शायद कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बेटा और बाप चिल्लाने की आवाज की तरफ जाने लगता है। कुछ दूरी जाने के बाद उन दोनों को एक रोशनी दिखाई पड़ती है। पापा पापा वहाँ से रोशनी आ रही है और चिल्लाने की आवाज भी उधर से ही आ रही है। हाँ बेटा चलो देखते हैं आखिर कौन इतने घने जंगल में चिल्ला रहा है। दोनों रोशनी की तरफ जाने लगता है और कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाता है। अंधेरा होने की वजह से बच्चा और उसका बाप को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वहाँ कोई इंसान फंसा हुआ है। इतने घने जंगल में कौन इसे कैद किया होगा, चलो उसी से पूछते हैं। बेटा तुम यहीं रहो, मैं उसकी मदद करके आता हूँ। ठीक है पापा। बेटा को वहीं छोड़कर उसका बाप अंदर जाने लगता है और वहाँ पहुँचते ही वह जेब द किलर से पूछता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ किसने तुम्हें कैद किया है? मैं सब बताऊंगा पर उससे पहले मुझे यहाँ से निकालो। जेब द किलर की बात वह व्यक्ति नहीं मानता है। यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा।
उस व्यक्ति की बात सुनकर जेब द किलर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। ठीक है, मत बताओ, मैं चला रहस्यमय किताब का पता लगाने। रहस्यमय किताब? हाँ। उस रहस्यमय किताब के बारे में मुझे पता है। यदि तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह रहस्यमय किताब कहाँ है। रहस्यमय किताब की बात सुनकर वह व्यक्ति जेब द किलर को तुरंत बाहर निकालने को राजी हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, पर ज्यादा होशियारी मत करना। वह व्यक्ति जेब द किलर को बाहर निकालने के लिए पिंजरा का दरवाजा खोलने लगता है। बहुत अच्छे मूर्ख इंसान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अपनी मौत का दरवाजा खोल रहे हो। पिंजरा का दरवाजा खोलते ही जेब द किलर अपना तलवार उठा लेता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो वह व्यक्ति जेब द किलर को देखकर डर जाता है और वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। बेटा भागो, वो कोई इंसान नहीं, दानव है। अपने बाप की बात सुनते ही बच्चा भी वहां से भागता है। उधर बाबा को पता चल जाता है कि जेब द किलर बाहर निकल आया है। ये क्या हो गया, जेब द किलर बाहर कैसे निकल आया? जेब द किलर को रोकने के लिए बाबा तुरंत जंगल की तरफ जाते हैं। उधर जेब द किलर उस व्यक्ति और उसके बच्चे का पीछा करने लगता है। अरे रुक जाओ, तुम्हें रहस्यमय किताब नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए शैतान, तुम वापस चले जाओ और हमारा पीछा करना छोड़ दो। बहुत दिनों के बाद आजाद हुआ हूँ, इसलिए आज मैं तुम दोनों को मार कर अपना पुराना खेल शुरू करूँगा। जेफ द किलर बहुत तेजी से दौड़ कर उन दोनों के आगे आ जाता है। अब कहाँ भागोगे मूर्ख इंसान? बेटा पीछे भागो और अपनी जान बचाओ। जेफ द किलर अपनी तलवार से उस व्यक्ति का सर काट देता है। पापा! बच्चे, अब तुम भी मरोगे। जेफ द किलर बच्चे को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। बच्चे, तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते। जेफ द किलर से बचते हुए बच्चा थक जाता है और वह वहीं गिर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। जेफ द किलर बच्चे की बात नहीं मानता है और वह बच्चा को मारने वाला होता ही है। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। जेफ द किलर रुक जाओ, बच्चे को मत मारो। बाबा तुम आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे पकड़ोगे या इस बच्चे को बचाओगे? जेफ द किलर अपनी तलवार से बच्चे पर हमला करके उसे घायल कर देता है। बाबा यदि तुम मुझे पकड़ोगे तो ये बच्चा मर जाएगा, इसलिए बच्चा को बचा सकते हो तो बचा लो। जेफ द किलर बच्चे को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। मुझे बच्चे को बचाना होगा, इसके लिए इसे आश्रम ले जाना होगा। बच्चे की जान बचाने के लिए बाबा तुरंत बच्चे को अपने साथ आश्रम ले जाते हैं। बाबा तो चला गया, अब मुझे अपनी टीम को तैयार करना है। बच्चे की जान बचाने के लिए बाबा उसे आश्रम ले आते हैं। इसे ठीक करने के लिए मुझे दिव्य जल की आवश्यकता पड़ेगी। दिव्य जल के लिए बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं। और उधर जेब द किलर अपने टीम का पता करने के लिए गिरेनी की तंत्र मंत्र वाली जगह आ जाता है। पिछली बार बाबा ने यहीं से सबको दूसरी जगह कैद कर दिया था, शायद मुझे यहाँ कुछ पता चले। जेफ द किलर तंत्र मंत्र वाली जगह पर छानबीन करने लगता है। उधर बाबा अपने मंत्र की मदद से दिव्य जल ले आते हैं और उसकी मदद से बच्चे को ठीक कर देते हैं। बच्चे के ठीक होते ही बाबा उसे उसके घर छोड़ने चले जाते हैं। उधर जेफ द किलर को कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर उसके दोस्त कहाँ कैद हैं, इसलिए वह वहाँ से जाने का सोचता है। लेकिन तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। कौन है जो इतनी डरावनी आवाजें से हंस रहा है? कौन है, जल्दी बताओ। जेफ द किलर अपने चारों तरफ देखता है और तभी उसे एक पंपकिन हवा में उड़ता दिखाई पड़ता है। कौन हो तुम
और तुम क्यों हंस रहे हो? जेफ द किलर के पूछने पर पम्पकिन बोलता है कि मैं सब बताऊंगा, पर तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो मैं करने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? जेफ द किलर के पूछने पर पम्पकिन बोलता है कि मैं ग्रेनी और ग्रैंडपा का सेवक हूँ और मुझे पता है तुम उन्हें ही ढूंढ रहे हो, पर उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? पम्पकिन बोलता है कि उनका पता लगाने के लिए तुम्हें 11 लोगों का बलि देना होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि तुम्हारे साथी कहाँ कैद हैं। पम्पकिन की बात सुनकर जेफ द किलर हंसने लगता है। ये तो बहुत ही आसान है, मैं अभी सभी के घरों में घुसकर 11 लोगों को लेकर आता हूँ। अब गुप्ता जी और मिश्रा जी बचेगा नहीं। 11 लोगों की बलि देने के लिए जेफ द किलर शहर की तरफ चला जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे से खटखट की आवाजें आती है। खटखट की लगातार आवाज से गुप्ता जी और मिश्रा जी का नींद टूट जाता है। गुप्ता जी, इतनी रात में कौन हो सकता है? कहीं कोई भूत तो नहीं? हो सकता है मिश्रा जी, कहीं कोई भूत ही हो, इसलिए दरवाजा खोलने से पहले हमें बाबा का हथियार अपने पास रख लेना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का हथियार लेकर दरवाजा की ओर जाने लगता है। जैसे ही दोनों बाहर आता है तो वहाँ बाबा दिखाई पड़ते हैं। बाबा, आप इतनी रात में? हाँ गुप्ता जी। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। बाबा, आप अचानक इतनी रात को यहाँ आए हैं, कुछ समस्या वाली बात है क्या? गुप्ता जी, मुझे जिसका डर था वही हुआ। जब तक किलर वापस आ गया है और वह तुम दोनों को जरूर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तुम्हें सतर्क करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाबा की बात सुनकर मिश्रा जी को बहुत डर लगने लगता है। गुप्ता जी, यदि जेफ द किलर आया है तो हो सकता है बॉब, बग, ग्रैंडपा और ग्रेनी भी आ जाए, इसलिए हमें कुछ करना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी, हमें कुछ करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज बॉब बग का राज बताता हूँ कि वह दोनों को मैंने कहाँ कैद किया है। बाबा बॉब और बग के बारे में गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताते हैं। बाबा, आपने तो बता दिया कि बॉब और बक जेल में कैद है, पर ग्रैंडपा और ग्रेनी को आपने कहाँ कैद किया है? हाँ बाबा, आपने तो ग्रेनी और ग्रैंडपा के बारे में बताया ही नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैंने जानबूझकर तुम्हें ग्रेनी और ग्रैंडपा के बारे में नहीं बताया, पर सही समय आने पर वह राज भी तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बाबा, पर अब हम दोनों को क्या करना है, हमें बताएं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों बॉब और बक पर नजर बनाए रखो, क्योंकि जेफ द किलर जरूर वहाँ आएगा, और यदि वह बॉब और बक को बाहर निकाल लिया तो तबाही मच जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को सब बात बताकर बाबा वापस आश्रम जाने लगते हैं। उधर जेफ द किलर शहर से 11 लोगों को किडनैप करने के लिए आ जाता है। जेफ द किलर देखता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। यही अच्छा मौका है कुछ लोगों को किडनैप करने का। जेफ द किलर दौड़कर उन सभी लोगों के बीच आ जाता है, पर उसे देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अरे रुक जाओ तुम सभी, वरना एक एक करके सभी को मैं मार डालूंगा। जेफ द किलर की बात कोई भी नहीं मानता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते ही रहते हैं। ऐसे तुम लोग नहीं मानोगे, रुको अभी बताता हूँ। जेफ द किलर तेजी से उन सभी के आगे आ जाता है और एक व्यक्ति का सर काट देता है। उस व्यक्ति का सर कटते ही सभी लोग डर जाते हैं और वहीं रुके रहते हैं। यदि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश किए तो तुम लोग भी इसी तरह मरोगे। जेफ द किलर के डर से सभी उसका बात मान लेता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी एक व्यक्ति यह सब छिप कर देख रहा होता है और यह बात पुलिस को फोन करके बताता है। सामो, जेफ द किलर वापस आ गया है और शायद बाबा बक को छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाएगा, इसलिए अपनी फौज को चकन्ना रहने बोल दो। पुलिस को जेफ द किलर का खबर मिलते ही वहाँ सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार वह चारों तरफ तबाही मचा दिया था। बक,
सभी पुलिस वाले डर क्यों रहे हैं? बॉब, लगता है वो आ रहा है हमें बचाने। कौन बक? वही हमारा पुराना दोस्त जेफ द किलर। इधर बॉब और बक बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसे बचाने जेफ द किलर आने वाला है। और उधर जेफ द किलर 11 लोगों को एक पिंजरा में कैद किया हुआ था। ग्रैंडपा ग्रेनी के सेवक, तुम कहाँ हो? मैं 11 लोगों को लेकर आ गया हूँ। जेफ द किलर के बुलाने पर पम्पकिन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम एक एक करके सभी का बलि दे दो और फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जेफ द किलर एक एक करके सभी को पकड़ के ले आता है और उसका गला काटने लगता है। जेफ द किलर जैसे ही आखिरी व्यक्ति का सर काटता है तभी अग्निकुंड से एक रोशनी बाहर आती है जिसमें बॉब और बक जेल में कैद दिखाई पड़ता है। पता चल गया बॉब और बक कहाँ है और अब ग्रैंडपा और ग्रेनी के बारे में पता चलेगा। बताओ ग्रैंडपा और ग्रेनी कहाँ पर कैद है? जेफ द किलर के बोलने पर अग्निकुंड से रोशनी निकलती है जिसमें ग्रैंडपा और ग्रेनी का पता चलने वाला होता ही है। तभी कोई फायर करता है जिसके बाद ग्रैंडपा और ग्रेनी का पता नहीं चलता है। ग्रेनी और ग्रैंडपा का पता नहीं चलने पर जेफ द किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने यहाँ फायर किया? जेफ द किलर अपने अगल बगल देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता है। अबे इधर उधर क्या देख रहा है, जरा अपने पीछे तो देख, तेरा बाप आया है। जेफ द किलर अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पुलिस दिखाई पड़ती है। पुलिस को देखकर जेफ द किलर घबरा जाता है इसलिए वह वहाँ से भागने का सोचता है। अबे भागने का सोचना भी मत, तुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम्हारा खेल समाप्त होता है। चारों तरफ से पुलिस के घिर जाने पर जेफ द किलर को कुछ समझ नहीं आता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ और चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जेफ द किलर चुपचाप पुलिस की बात मान लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सभी पुलिस वाले को लग रहा था कि जेफ द किलर इस बार अपने आप को कानून के हवाले कर देगा लेकिन जेफ द किलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जेफ द किलर जैसे ही पुलिस वालों के नजदीक पहुंचता है तभी वह अपनी तलवार से कुछ पुलिस वालों को मार कर वहाँ से भागने लगता है। अरे जेफ द किलर भाग रहा है, चलो सभी उसका पीछा करो। सभी पुलिस वाले तुरंत अपनी कार में बैठकर जेफ द किलर का पीछा करने लगते हैं। जेफ द किलर को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी कार को तेजी से चलाती है जिससे जेफ द किलर को धक्का लग जाता है और वह दूर गिर जाता है। जेफ द किलर के नीचे गिरते ही पुलिस की कार उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ती ही है लेकिन तभी वहाँ स्कैरी पम्पकिन आ जाता है और अपनी शक्ति का नमूना दिखाता है। स्कैरी पम्पकिन के वार से सभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। बहुत अच्छे स्कैरी पम्पकिन, अब हमें बॉब और बक को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालना है। जेफ द किलर की बात मानते हुए स्कैरी पम्पकिन भी उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। उधर बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी पुलिस स्टेशन पर नजर बनाए हुए रखते हैं। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है जेफ द किलर यहाँ आएगा? कुछ कह नहीं सकते मिश्रा जी, पर बाबा ने हमें यहाँ नजर बनाए रखने को बोला है। यदि जेफ द किलर यहाँ आया तो हमें उसे रोकना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी जेफ द किलर का वेट करते करते सो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के सोने के कुछ ही देर बाद वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी उठ जाते हैं। बक, ये आवाज कैसी है? लगता है कुछ हुआ है। बॉब, तुमने बिल्कुल सही कहा, बाहर कुछ हुआ है और ये संकेत है कि जेफ द किलर यहाँ आ गया है। गुप्ता जी, ये क्या हुआ? अचानक यहाँ ब्लास्ट कैसे हो गया? मिश्रा जी उधर देखो, जेफ द किलर और उसके साथ कोई है जो इधर ही आ रहा है।
गुप्ता जी अब क्या करें, इसे कैसे रोकें? ये तो बॉब और बग को छुड़ाने के लिए आ गया है और उसके साथ कोई स्कैरी पंपकिन भी आ रहा है। मिश्रा जी तुम बाबा के पास जाओ और उन्हें बताओ, तब तक मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गुप्ता जी, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। मिश्रा जी तेजी से बाबा का आश्रम की तरफ जाने लगता है। इधर जेब द किलर को रोकने के लिए पुलिस आ जाती है। पुलिस जेब द किलर को रुकने बोलती है पर वह रुकता नहीं है, इसलिए पुलिस जेब द किलर पर फायरिंग करती है। फायरिंग होने पर जेब द किलर अपने आप को बचाता है और स्कैरी पंपकिन को बोलता है कि सभी पुलिस वालों को जला दो। जेफ द किलर की बात मानते हुए स्कैरी पंपकिन अपने मुंह से आग निकालता है जिसमें सभी पुलिस वाले जलने लगते हैं। बहुत अच्छे स्कैरी पंपकिन, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे इसे रोकना होगा पर कैसे रोके? इसके साथ तो स्कैरी पंपकिन भी है जो बहुत ही ताकतवर है। गुप्ता जी के पास कोई चमत्कारी शक्ति ना होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाते हैं और जेब द किलर स्कैरी पंपकिन दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। जेब द किलर को देखकर सभी पुलिस वाले डरे हुए होते हैं, इसलिए कोई भी जेब द किलर को रोकने की कोशिश नहीं करता है। बॉब और बक, तुम दोनों कहाँ कैद हो? मैं तुम दोनों को आजाद कराने के लिए आ गया हूँ। जेब द किलर, हम लोग यहाँ पर हैं, हमें यहाँ से निकालो। बक की आवाज जेब द किलर सुन लेता है और वह उसके पास जाने लगता है। बॉब और बक मेरे भाई, तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। पर वो तुम्हारे साथ कौन है? जेब द किलर, ये हमारा नया दोस्त जादूगर है जो गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा को सबक सिखाना चाहता है। हा, 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 चलो अच्छा है, हमारी टीम में एक और सदस्य बढ़ गया, अब बाबा बचेगा नहीं। जेफ द किलर पुलिस वालों को बोलकर जेल का दरवाजा खुलवाता है। चलो सभी आज जश्न मनाएंगे। हाँ जेब द किलर, बहुत दिनों के बाद आजादी मिली है, इसलिए आज जश्न का मजा लेंगे। बॉब और बक पुलिस स्टेशन से अपना हथियार ले लेता है और सभी बाहर जाने लगते हैं। उधर गुप्ता जी सभी को रोकने के लिए बाहर ही खड़ा रहते हैं। इधर जेफ द किलर और उसके साथी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है कि सामने गुप्ता जी खड़ा है। गुप्ता जी, तुम हमें रोकने आए हो क्या? जेफ द किलर, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे रहते तुम और तुम्हारे सभी साथी यहाँ से भाग नहीं सकते। गुप्ता जी, तुम अकेले हमें रोकने आए हो। तुम्हारा दोस्त मिश्रा जी कहीं दिख नहीं रहा है। बक, इसका दोस्त मिश्रा जी डरपोक है, इसने वह भाग गया होगा। बॉब, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें क्या लगता है गुप्ता जी हमारे सामने एक मिनट भी टिक सकता है? नहीं बक, पर मुझे लगता है गुप्ता जी आज मारा जाएगा। बॉब, बक और जेब द किलर गुप्ता जी पर हंसने लगता है। तुम सभी इतना हंस क्यों रहे हो? यदि बाबा इधर आ गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अरे डरपोक जादूगर, तुम इतना घबराओ नहीं, हम सभी मिलकर बाबा को हरा सकते हैं और इस दुनिया में राज कर सकते हैं। और बक, आज का जश्न मनाने से पहले क्यों ना गुप्ता जी को मार दिया जाए? जेब द किलर, तुमने मेरी मुंह की बात कह दी, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था इससे अपना पुराना बदला जो लेना है। अगर ऐसा है तो जाओ, गुप्ता जी को सौंक दे के आओ। गुप्ता जी को सौंक देने के लिए बक आगे बढ़ता है और जैसे ही वह गुप्ता जी पर हमला करता है तभी गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। बक, पिछली बार जिस तरह तुम मार खाए थे, शायद इस बार भी तुम मार खाने वाले हो। गुप्ता जी, पिछली बार तुम्हारे पास बाबा की शक्ति थी, पर अभी तुम एक साधारण इंसान हो, इसलिए तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान होगा। बक फिर से गुप्ता जी पर हमला करता है लेकिन गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं।
बहुत हो गया तुम्हारा खेल बक, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। गुप्ता जी अपने हथियार की मदद से बक पर हमला कर देते हैं, जिससे बक अपने आप को बचा नहीं पाता है और वह मार खा जाता है। क्या हुआ बक, बहुत उछल रहे थे पर मार खा गए ना? गुप्ता जी तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें हरा दोगे? ऐसा नहीं होगा। बॉब पूरा गुस्सा में गुप्ता जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। गुप्ता जी और बॉब के बीच जोरदार लड़ाई होती है। तुम्हें मैं आसान मौत नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बॉब, गुप्ता जी को तरपा तरपा के मारेंगे। बॉब और गुप्ता जी के बीच लड़ाई चल रही होती है, लेकिन तभी बॉब पीछे से गुप्ता जी को शॉक दे देता है। शॉक लगने की वजह से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। पीछे से वार करते हो नालायको, तुम में से कोई नहीं बचेगा। नालायक बोलता है हमें गुप्ता जी, रुको अभी तुम्हारा जान निकालता हूँ। बॉब अपने हथौड़े से गुप्ता जी पर जोरदार वार करता है, जिससे गुप्ता जी अधमरा हो जाता है। बॉब दोबारा से गुप्ता जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जेब द किलर उसे रुकने को बोलता है। क्या हुआ जेब द किलर, तुमने मुझे क्यों रोका? बॉब हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? बॉब अचानक यहाँ तूफान आ रहा है, इसका मतलब तुम नहीं समझे क्या? तेज तूफान आने का संकेत बॉब भी समझ जाता है। जेब द किलर, कहीं बाबा तो नहीं आ रहे हैं? बॉब तुमने सही कहा, वहाँ आगे देखो। गुप्ता जी मैं बाबा को लेकर वहाँ आ रहा हूँ। बाबा और मिश्रा जी तेजी से गुप्ता जी के पास जाने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, बाबा इधर ही आ रहे हैं, भागो रे भागो वरना मारे जाओगे। बाबा को अपनी ओर आता देख सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाबा अपनी शक्ति से हमला करते हैं, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी वहीं गिर जाता है। बाबा और मिश्रा जी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गुप्ता जी अधमरा पड़े हुए होते हैं। गुप्ता जी मैं और बाबा आ गए हैं, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। गुप्ता जी को अधमरा देख बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम लोगों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर इस बार तुम में से कोई नहीं बचेगा। बाबा अपने इलेक्ट्रिक पावर से एक एक करके सबको शॉक देने लगते हैं। बॉब बक और जेब द किलर को शॉक लगने पर जादूगर बहुत डर जाता है, इसलिए वह बाबा के पास माफी मांगने जाता है। बाबा बाबा मुझे शौक मत देना, मैंने इन सभी को मना किया था पर बॉब ने ही गुप्ता जी को अधमरा कर दिया। बाबा गुप्ता जी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं छोड़िएगा। नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया था, वो सब बॉब और बक का काम था। जादूगर और बाबा के बीच बहस चल रहा होता है, तभी जेब द किलर अपने स्केरी पंपकिन को बोलता है कि तुम अपनी शक्ति से बाबा का ध्यान भटकाओ, तभी मैं बाबा का अंत कर दूंगा। जेब द किलर की बात मानते हुए स्केरी पंपकिन बाबा पर हमला करता है, लेकिन तभी बाबा भी पंपकिन पर हमला करते हैं। बाबा ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए स्केरी पंपकिन कमजोर होने लगता है। बॉब बक और जादूगर भागो यहाँ से वरना मारे जाओगे। अपनी जान बचाने के लिए सभी स्केरी पंपकिन को छोड़ वहाँ से भागने लगता है और यह सब स्केरी पंपकिन देख लेता है। स्केरी पंपकिन का अंत करने के लिए बाबा उसे आग से जलाने लगते हैं। जेब द किलर के साथ सभी स्केरी पंपकिन को छोड़कर चला जाता है, इसलिए मरने से पहले स्केरी पंपकिन बाबा से माफी मांगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह गलत का साथ दे रहा था। बाबा कुछ कीजिए, आखिर गुप्ता जी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, गुप्ता जी बेहोश है, मैं अभी उसे ठीक कर देता हूँ। बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी को वापस से ठीक कर देते हैं। गुप्ता जी अब कैसा लग रहा है? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं जेब द किलर के साथी को सबक नहीं सिखा पाया। कोई बात नहीं गुप्ता जी, तुमने अच्छा मुकाबला किया। और मिश्रा जी तुम गुप्ता जी को अपने साथ घर ले जाओ और आराम करो।
गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर जाने लगते हैं और बाबा भी अपने आश्रम चले जाते हैं, क्योंकि बाबा को लगता है कि अब शायद जेब द किलर और उसके साथी किसी को परेशान नहीं करेगा। उधर जेब द किलर और उसका साथी तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाता है। जेब द किलर, क्या इसी तरह हम सब भागते रहेंगे या गुप्ता जी मिश्रा जी और बाबा का अंत भी होगा? भाग, बाबा से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए हमें ग्रैंडपा और ग्रैनी को वापस लाना होगा। तो तुम्हें पता है क्या ग्रैंडपा और ग्रैनी कहाँ कैद है? नहीं, पर कहीं ना कहीं जरूर कैद होगा, हमें उसे ढूंढ के निकालना होगा। वो सब तो ठीक है, पर जादूगर कोई काम का नहीं है, ये तो डरपोक है और इसके पास कोई शक्ति भी नहीं है। बॉब, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं नाटक किया था बाबा के पास, और हाँ मेरे पास अभी कोई शक्ति नहीं है, पर बहुत जल्द आ जाएगी। वो कैसे? बहुत जल्द तुम्हें और बाबा को भी पता चल जाएगा, लेकिन कुछ पल और इंतजार करो, क्योंकि मेरी मोहिनी यहाँ आती होगी। मोहिनी? कौन है मोहिनी? बॉब, कुछ देर इंतजार करो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बॉब, बक, जेफ द किलर और जादूगर सभी मोहिनी का इंतजार करने लगता है। जादूगर, कब आएगी तुम्हारी मोहिनी? बक, मुझे नहीं पता, पर अभी तक तो मोहिनी को यहाँ आ जाना चाहिए था। सभी लोग मोहिनी का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी जादूगर को मोहिनी अपनी ओर आते हुए दिखाई पड़ती है। वो देखो, मोहिनी आ गई, अब मेरा जलवा सब देखेगा। सभी लोग देखता है कि मोहिनी के हाथ में एक किताब है जो जादूगर को दे रही है। ये देखो बक, मेरे हाथ में क्या है? ये तो एक किताब है बस, तुम इसी किताब के लिए हमें यहाँ रुके हुए थे। बक, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक रहस्यमय किताब है। रहस्यमय किताब? हाँ जेब द किलर, ये एक रहस्यमय किताब है, और मैं इसकी मदद से अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूँ। जादूगर किताब को अपने हाथ में पकड़ के कुछ मंत्र अपने मन में बोलने लगता है। जादूगर के मन में कुछ बोलते ही चारों तरफ मौसम बदलने लगता है, बिजली कड़कने लगती है। बक, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? कहीं बाबा तो नहीं आ रहे हैं? नहीं बाप, मुझे लगता है कि ये सब जादूगर की वजह से हो रहा है। ये अचानक मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है? कहीं बॉब जेब द किलर का तो ये काम नहीं? बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिर मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है। मोहिनी, ये जादूगर करना क्या चाह रहा है? क्या इसे कोई शक्ति मिलने वाली है? जेब द किलर के पूछने पर मोहिनी बताती है कि जादूगर इस रहस्यमय किताब के बदौलत अपना जादुई शक्तिशाली छड़ी को वापस लाने वाला है। जादूगर के रहस्यमय किताब की वजह से वह छड़ी बाबा का आश्रम से बाहर निकलने लगती है, जो बाबा को पता चल जाता है। ये छड़ी यहाँ से कैसे निकली और मौसम में भी बदलाव हुआ, ये अवश्य जादूगर का काम है। मुझे उस छड़ी को रोकना होगा, वरना जादूगर को हराना बहुत मुश्किल होगा। बाबा उस जादुई छड़ी को रोकने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जादुई छड़ी को रोकने के लिए बाबा अपनी शक्ति से हमला करते हैं, पर छड़ी आगे बढ़ती ही रहती है। बाबा कई बार प्रयास करते हैं, पर छड़ी रुकने का नाम नहीं लेती है, और अंत में वह तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाती है। वो देखो बॉब, मेरी जादुई छड़ी, अब मैं बहुत ही ताकतवर बनने वाला हूँ। जादूगर, वो सब तो ठीक है, पर वहाँ देखो बाबा भी छड़ी का पीछा करते करते यहाँ आ गए हैं। आने दो बाक, अब मुझे रोकना नामुमकिन होगा। जादूगर तुरंत जादुई छड़ी को अपने हाथों में पकड़ लेता है। जादुई छड़ी को पकड़ते ही जादूगर का रूप ही बदल जाता है। बाबा, अब मौका मिला है तुमसे बदला लेने का। ओह नो, जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी आ चुकी है, इससे जादू की छड़ी वापस लेना होगा।
जादू की छड़ी वापस लेने के लिए बाबा जादूगर पर हमला करते हैं। बाबा के वार से जादूगर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह खूब हंसने लगता है। बाबा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अब मैं फिर से ताकतवर बन चुका हूँ और इस बार तुम मेरे हाथों से छड़ी नहीं छीन पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना वश में करने वाला हूँ। जादूगर अपनी जादुई छड़ी की मदद से बाबा को वश में करने की कोशिश करने लगता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जादूगर, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे वश में आ जाऊंगा? बस शायद तुम भूल गए, मैं योगी हूँ, इसलिए मुझे वश में करना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हें मारकर इस दुनिया में राज करूँगा। जादूगर अपनी शक्ति से बाबा पर हमला करने लगता है। लगातार वार होने से बाबा अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और मार खा जाते हैं। बाप, देख रहे हो, जादूगर बहुत ही ताकतवर हो गया है। हाँ बक, पर मैंने उसका मजाक बहुत बनाया था, कहीं बाप मुझे अपने वश में न कर ले। बॉब बक जादूगर की शक्ति को देखकर डर रहा था और उधर जादूगर बाबा पर लगातार हमला करते रहता है। जादूगर को मैं यहाँ अकेले हरा नहीं पाऊंगा, मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शैतानी शक्ति का साया है। तंत्र मंत्र वाले जगह बाबा की शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाप, देखे, मुझसे डर कर बाबा यहाँ से भाग गया। हाँ जादूगर, पर मुझे तुमसे डर लग रहा है। क्यों बाप, क्यों डर रहे हो मुझसे? जादूगर, मुझे डर इसलिए लग रहा है तुमसे, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी शक्ति से हमें वश में न कर लो। नहीं बाप, तुम सब मेरे दोस्त हो, इसलिए हम सब अब इस दुनिया में राज करेंगे। बहुत अच्छे जादूगर, अब मुझे लगता है कि हमें इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता, बाबा भी नहीं रोक सकते हैं हमें। बिल्कुल सही जेब द किलर, क्यों ना कल रात को हम सब मिलकर शहर में तबाही मचाना शुरू कर दे। हाँ बक, मैं भी यही चाह रहा था। बक, कल यदि तबाही मचाएंगे तो क्यों ना आज रात में पार्टी किया जाए। बाप, ये अच्छा आइडिया है, यदि सभी यही चाहते हैं तो चलो जश्न की तैयारी किया जाए। सभी लोग जश्न मनाने के लिए राजी हो जाते हैं और जश्न की तैयारी करने लगते हैं। उधर बाबा आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां वे अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, इसलिए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अपने मन की शक्ति से बाबा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। जादूगर बहुत ही ताकतवर हो गया है, इसलिए मुझे भी ताकतवर बनना होगा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाबा तप करना शुरू कर देते हैं। इधर बाबा तप में लगे हुए होते हैं और उधर सभी जश्न मना रहे होते हैं। जश्न मनाते मनाते बॉब को मोहिनी से प्यार हो जाता है, इसलिए वह मोहिनी के करीब जाने लगता है और उसके साथ डांस करने लगता है। मोहिनी और बॉब को साथ में डांस करता देख जादूगर को गुस्सा आने लगता है। बॉब, जादूगर के चिल्लाने पर सभी डर जाते हैं। क्या हुआ जादूगर, तुमने इतना जोर से बॉब का नाम क्यों लिया? बक, अपने भाई को समझा दो, मेरी मोहिनी से डोल रहे, वरना उसे मारने में मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। बॉब को धमका कर जादूगर अपने साथ मोहिनी को वहाँ से ले जाता है। बॉब, तुमको समझ नहीं आता है कि मोहिनी जादूगर का गर्लफ्रेंड है। बक, मुझे मोहिनी पसंद है और मैं उसे जादूगर से छीन लूंगा। बॉब अपना मन का बात बक को बताकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जेब द किलर, अब क्या करें? बॉब तो मेरा बात नहीं मान रहा है। बक, मैं जादूगर और बॉब से बात करता हूँ, शायद मेरी बात दोनों समझ ले। बॉब और जादूगर को वापस से मिलाने के लिए जेफ द किलर उन दोनों से बात करने जाता है और उधर बाबा अपने तप को समाप्त कर रहे होते हैं। तप की शक्ति बाबा के अंदर समा जाती है और वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ,
और अब मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। बाबा के अंदर शक्ति आते ही वह अपने मन की शक्ति से सब पता लगा लेते हैं कि बॉब और जादूगर के बीच क्या हुआ। मुझे सब पता चल गया बॉब, अब तुम्हें मोहिनी जरूर मिलेगी और साथ में मौत भी। बाबा के दिमाग में कुछ आइडिया आता है जिससे बॉब का अंत संभव था, इसलिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को बुलाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास आ जाते हैं और बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपना प्लान बताते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों समझ गए ना तुम दोनों को क्या करना है? हाँ बाबा, अब बस हमें वहाँ ले चलिए, बाकी मैं और मिश्रा जी अपना काम कर लेंगे। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने साथ तंत्र मंत्र वाली जगह ले जाते हैं और उधर जेफ द किलर बॉब से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहिनी को भूल जाए, नहीं तो जादूगर से हमारा दुश्मनी हो जाएगा। पर जेफ द किलर, मुझे मोहिनी चाहिए। बॉब, बात को समझो, जादूगर हमारा दोस्त है, इसलिए मोहिनी को अपने दिमाग से निकाल दो और जाओ जादूगर से बात करो और उससे माफी मांग लो। जेफ द किलर का बात बॉब समझ जाता है, इसलिए वह जादूगर से बात करने चला जाता है। जादूगर गुस्सा में मोहिनी को लेकर जंगल के अंदर गया था, इसलिए बॉब भी जंगल के अंदर जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, जाओ जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही करना। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी बॉब के पास जाते हैं। अरे बॉब, कहाँ जा रहे हो? गुप्ता जी और मिश्रा जी, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, मेरा मूड बहुत खराब है और तुम्हें यहाँ मार के अपना मूड सही कर लूंगा। अच्छा ऐसा है तो पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, तब हमें मारना। गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए बॉब उन दोनों का पीछा करने लगता है। बहुत अच्छे गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब मेरी बारी है। बाबा अपने आप को बॉब के रूप में बदल लेते हैं। जादूगर, तुम्हें सबक सिखाने बॉब आ रहा है। इधर जादूगर और मोहिनी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वह देखता है कि कोई उसे छिप कर देख रहा है। मोहिनी, तुम यहीं रहो, मुझे शक है कि वहाँ कोई छिप कर हमें देख रहा है। जादूगर को शक होने पर वह वहाँ पर जाकर देखता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ आ गए बॉब? जादूगर, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी और मोहिनी को भी साथ में यहाँ ले आए। हाँ तो क्या कहना चाहते हो तुम, सीधे सीधे बताओ। सीधे सीधे सुनना है तुमको तो सुनो, मैं तुम्हारी मोहिनी को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। बॉब, मैंने पहले ही तुमको कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम बहुत पछताओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ये लो। बॉब, तुम अब बचोगे नहीं। जादूगर, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, तब जाकर मुझे मारना। बॉब को मारने के लिए जादूगर उसका पीछा करने लगता है। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे जादूगर, मैं मोहिनी को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। बॉब, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जादूगर गुस्से में बॉब का लगातार पीछा करता है, लेकिन तभी बॉब तेजी से भागता है और एक पहाड़ के पीछे छिप जाता है। पहाड़ के पीछे छिपने के बाद बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है, अब गुप्ता जी को आगे का काम बता देता हूँ। बाबा गुप्ता जी को फोन लगाकर आगे का काम करने को बोलते हैं। मिश्रा जी, बाबा ने अपना काम कर लिया है, अब हमें मोहिनी की तरफ जाना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से मोहिनी की तरफ भागते हैं और असली वाला बॉब उन दोनों का पीछा करते रहता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करते करते बॉब थक चुका होता है, इसलिए वह रुक जाता है और देखता है कि मोहिनी अकेले में बैठी हुई है। अरे वाह, जादूगर तो यहाँ नहीं है, चलो थोड़ा मोहिनी से बात कर लेते हैं। बॉब मोहिनी से बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है और उधर जादूगर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर बॉब कहाँ गायब हो गया। बॉब, अचानक तुम कहाँ गायब हो गए? तुम मुझे चकमा देकर मोहिनी के पास तो नहीं चले गए? जादूगर तेजी से मोहिनी के पास जाता है। जाओ जादूगर जाओ, अब तुम्हारा और बॉब का सभी लोग तमाशा देखेगा। जादूगर जैसे ही उस जगह पहुंचता है तो वह देखता है कि बॉब मोहिनी के पास आ गया है।
बॉब, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। जादूगर गुस्से में बॉब पर हमला करता है। जादूगर का हमला से बॉब नीचे गिर जाता है। मैंने क्या किया जादूगर जो तुमने मुझ पर हमला किया? बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो पर अब तुम नहीं बचोगे। जादूगर अपनी जादुई शक्ति से पेड़ को हवा में उड़ाकर बॉब पर हमला करता है पर बॉब अपने आप को किसी तरह बचा लेता है। जादूगर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझ पर हमला करके। बॉब भी गुस्से में आ जाता है और वह अपने हथौड़े से जादूगर पर हमला करता है जिससे जादूगर दूर गिर जाता है। बॉब आप बचो मेरे वार से। जादूगर लगातार बॉब पर हमला करता है जिसमें बॉब घायल हो जाता है। बॉब मैंने मना किया था मेरे और मोहिनी के बीच मत आना पर तुम नहीं माने। जादूगर मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। जादूगर के जोरदार वार से बॉब वही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ जेफ द किलर और बक भी आ जाता है। जादूगर ये तुमने क्या कर दिया? बॉब तो तुमसे माफी मांगने आया था पर तुमने तो उसे अधमरा कर दिया है। बक वो मेरी मोहिनी को मुझसे छीनने की बात कर रहा था ना कि कोई माफी मांगने आया था। जादूगर तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बक झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं बल्कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बक और जादूगर बॉब के चलते आपस में बहस करते रहते हैं इसलिए जेब द किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों शांत हो जाओ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जेब द किलर की बात दोनों में से कोई नहीं सुनता है और आपस में बहस करता ही रहता है। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। जेब द किलर दोनों से बहुत तंग आ गया था इसलिए वह गुस्सा में मोहिनी के पास जाता है और उसका सर काट देता है। जेब द किलर ये तुमने क्या कर दिया? मेरी मोहिनी को मार डाला। जादूगर मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया और ऐसा हो गया। जो भी हो पर तुमने मेरी मोहिनी को मार डाला इसलिए मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। जादूगर मोहिनी का बदला लेने के लिए जेब द किलर को मारने वाला होता ही है। तभी बक उसे रुकने को बोलता है। बक तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुमने देखा नहीं जेब द किलर ने मेरी मोहिनी को मार डाला। जादूगर मैंने सब देखा पर जेब द किलर गुस्सा में ऐसा किया। पर तुम्हारे पास तो जादुई शक्ति है क्या तुम मोहिनी को ठीक नहीं कर सकते? बक की बात सुनकर जादूगर शांत हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है। बक मैंने पहले कभी किसी को जिंदा नहीं किया है पर आज मैं कोशिश करके देखता हूँ। मोहिनी को जिंदा करने के लिए जादूगर अपनी रहस्यमय किताब को निकालता है। रहस्यमय किताब को पकड़ के जादूगर कुछ मंत्र बोलता है। जादूगर के मंत्र बोलते ही चारों तरफ तूफान आ जाता है। बिजली कड़कने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। इधर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी यह सब छिप कर देख रहे होते हैं। बाबा क्या जादूगर मोहिनी को जिंदा कर लेगा? मिश्रा जी किसी को जिंदा करना इतना आसान नहीं होता है पर देखते हैं क्या जादूगर ऐसा कर पाता है। बारिश की बूंदे बॉब पर पड़ता है और उसे होश आ जाता है। होश में आते ही बॉब देखता है कि मोहिनी मर चुकी है इसलिए वह बहुत उदास हो जाता है। जादूगर के रहस्यमय किताब की वजह से मोहिनी का सर जिंदा हो जाता है और वह अपनी आंखें खोलती है। बाबा मोहिनी का सर तो जिंदा हो गया है और मुझे लगता है जादूगर मोहिनी को पहले जैसा कर देगा। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मिश्रा जी, नहीं तो सभी वापस से मित्र बन जाएगा और शहर को तबाह कर देगा। बहुत अच्छे जादूगर, मोहिनी अपनी आंखें खोल ली है, तुम उसे वापस से पहले जैसा बना सकते हो। बाबा कुछ कीजिए वरना सब तबाह हो जाएगा। जादूगर को रोकने के लिए बाबा सोचने लगते हैं और तभी उन्हें एक आइडिया आता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी यदि जादूगर के हाथ से वह रहस्यमय किताब और जादुई छड़ी ले लिया जाए तो मैं उन सभी को बहुत ही आसानी से सबक सिखा सकता हूँ। बाबा यदि ऐसा है तो आप अपने इनविजिबल पावर से जादूगर का रहस्यमय किताब और छड़ी छीन सकते हैं। तुमने सही कहा गुप्ता जी,
मैं ऐसा कर सकता हूँ। बाबा मन में एक मंत्र बोलते हैं जिससे वह अपने आप को गायब कर लेते हैं। इधर जादूगर की वजह से मोहिनी का सर हवा में उड़ने लगता है, मानो उसके अंदर भी जादुई शक्ति आ गई हो। गुप्ता जी, ये क्या मोहिनी का सर हवा में उड़ रहा है? बाबा पीछे से वार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह सबको सुधरने का चेतावनी देते हैं। जादूगर, ये सब करना बंद कर दो, वरना मैं फिर से तुम सबको कैद कर लूँगा। बाबा की आवाज़ सुनकर बॉब बक और जेफ द किलर सतर्क हो जाता है और वह अपने चारों तरफ देखता है, पर बाबा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जेफ द किलर, बाबा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? बॉब, मुझे लगता है बाबा अपने आप को गायब किए हुए हैं। क्या अब हम लोग बाबा से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? बॉब, अब हमें जादूगर ही बचा सकता है। तुमने सही कहा बक, अब हमें जादूगर ही बचा सकता है। बॉब बक और जेफ द किलर तीनों मिलकर जादूगर का ध्यान तोड़ने लगता है ताकि वह बाबा से मुकाबला कर सके। गुप्ता जी, बॉब बक और जेफ द किलर तीनों मिलकर बाबा के बारे में जादूगर को बताना चाह रहा है। बताने दो मिश्रा जी, बाबा और मैं भी यही चाह रहे थे कि जादूगर का ध्यान टूट जाए। ओ हाँ गुप्ता जी, मैं सब समझ गया, बाबा ऐसा क्यों किए। बॉब बक और जेफ द किलर तीनों मिलकर जादूगर का ध्यान तोड़ देता है, जिसके बाद मोहिनी का सर नीचे गिर जाता है। जादूगर का ध्यान टूट जाने पर मोहिनी जिंदा नहीं हो पाती है, इसलिए जादूगर को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या किया तुम लोगों ने? मैं मोहिनी को वापस से जिंदा करने वाला ही था, पर मेरा ध्यान तुम लोगों ने तोड़ दिया। मोहिनी को वापस से जिंदा नहीं कर पाने पर जादूगर अपनी शक्ति से तीनों पर हमला करता है। मिश्रा जी देखे, बाबा का दिमाग, सभी आपस में ही लड़ पड़े हैं। बॉब बक और जेफ द किलर कोशिश करता है कि वह जादूगर को सब बात समझाए, पर जादूगर किसी का भी बात नहीं सुनता है। मैं अब तुम में से किसी की भी बात नहीं सुनने वाला हूँ, तुम सब मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। जादूगर, मेरी बात तो सुनो। कुछ मत बोलो अब। बक, मैंने बोला था ना कि तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये लो। बक और जेब द किलर को शॉक देने के बाद बॉब देखता है कि जादूगर उसकी तरफ ही देख रहा है, जबकि वह अभी तक कुछ भी बोला नहीं था। जादूगर, मैं तो अभी तक कुछ नहीं बोला था, पर तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम कुछ बोलो या ना बोलो, पर ये सब शुरू तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए सबसे बड़ी सजा तुम्हें ही मिलेगी। नहीं जादूगर, ऐसा मत कहो, मुझे कोई मोहिनी नहीं चाहिए, तुम ही रख लो मोहिनी को। मोहिनी के मरने के बाद ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसा सोचो भी मत, तुम भी इनकी तरह झटका सा हो। आगे भैया, भैया कोई तो बचा। गुप्ता जी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सभी को आपस में लड़ते हुए देखकर। मिश्रा जी आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। जादूगर अपने मोहिनी का बदला लेने के लिए सभी को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं। बार बार शॉक देने से जादूगर भी कमजोर हो जाता है और वह थक जाता है। तभी उसे बाबा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बहुत अच्छे जादूगर, तुमने मेरा आधा काम कर दिया, अब बचा हुआ काम मैं खुद करूँगा। बाबा, तुम कहाँ हो? मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। जादूगर, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, अच्छा से देखो तो सही। जादूगर अपने सामने देखता है तो उसे बाबा दिखाई पड़ता है। बाबा, मुझसे पंगा मत लो, क्योंकि इनकी वजह से मैं अपनी मोहिनी को खो दिया हूँ, इसलिए मैं बहुत गुस्सा में हूँ। जादूगर, तुम्हें क्या लग रहा है, ये सब इन लोगों का काम है? नहीं जादूगर, ये सब मेरा आइडिया था जिसमें तुम फंस गए हो। बाबा सब बात जादूगर को बता देते हैं, जिसके बाद जादूगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बाबा पर हमला करता है। जादूगर का हमला से बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। जादूगर, पिछले बार तुम तंत्र मंत्र वाली जगह पर थे, इसलिए तुम जीत गए, पर अब ऐसा नहीं है, इसलिए इस बार तुम्हारी हार अवश्य होगी। बाबा बहुत तेजी से जमीन पर वार करते हैं, जिसके चलते जादूगर नीचे गिर जाता है। अब नहीं बचोगे जादूगर। बाबा जादूगर को खूब मारते हैं और उसके हाथ से जादुई छड़ी और रहस्यमय किताब ले लेते हैं। जादूगर,
मैंने तुम्हारी शक्ति को छीन लिया है और अब तुम सभी को सही जगह पहुंचाना है। बाबा अपनी शक्ति से सभी को सही जगह कैद कर देते हैं ताकि वो अब किसी को परेशान ना कर सके। अरे वाह गुप्ता जी, मुझे तो बहुत मजा आया, बाबा ने सभी को अच्छा सबक सिखाया। हाँ मिश्रा जी, अब चलो बाबा के पास। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब चलो यहाँ से, हमारा काम यहाँ हो गया है। बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस अपने घर जाने लगते हैं। पर ये क्या, मोहिनी अपनी आंखें खोल लेती है, ये कैसे हो सकता है? मोहिनी तो मर गई थी तो वो अपनी आंखें कैसे खोल सकती है? क्या मोहिनी बिना शरीर का जिंदा हो गई है? दोस्तों आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आगे की स्टोरी जेब द किलर का सीजन 3 में पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।